कई दिनों से मैं ये नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, पर मैं आपसे बोल नहीं पाया, तो शायद यही सही वक्त है इस बारे में बात करने का। Well, तुम चाहो तो हम यामिनी को नहीं निकालेंगे, ठीक है? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था सर, लेकिन मैं हमेशा से ही राइटर बनना चाहता हूँ सर। और यामिनी भी कॉलेज में टॉपर रह चुकी है सर, वो बहुत होशियार है सर। अगर उसे मौका मिलता है तो वो खुद को मुझसे ज्यादा बेहतर साबित कर सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हें पेरिस भेजना चाहते हैं। तुम्हें एक अच्छे फ्यूचर के साथ एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। आई एम सॉरी सर, मैं फैसला कर चुका हूँ। ओके। मैं अब कोई जॉब नहीं करना चाहता। बस एक रिक्वेस्ट है सर, यामिनी को मत निकालिएगा। ठीक है। यामिनी, मैं कह रहा था पीछा मत करो, बात नहीं करनी है तुमसे। यामिनी, पहले हेरा गेरा बोला बोल रही हो कि पीछा कर रहा हूँ, ये सब क्या लगा रखा है? रुको, मुझे 5 मिनट बात करनी है तुमसे। यामिनी, क्या 5 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास? व्हाट इज दिस? पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन सब बर्बाद कर दिया तुमने। और 5 मिनट चाहिए तुम्हें, मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है तुम्हारे लिए। यामिनी, गौतम बाबू, गौतम बाबू, मैडम तो घर पर नहीं है। थोड़ी देर पहले तो ऑफिस से घर आई है, हाँ? कहाँ चली गई? उसके पापा उसे कहीं ले गए हैं। लौट कर तो यहीं पर आएंगे। 1 घंटे में 2 घंटे में, आज नहीं तो कल यहीं आएंगे। मैं उनसे बात करके जाऊंगा, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे बाप बेटी से। अच्छा सुन, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। अंडा है घर में? जी है ना। तो ऑमलेट बना के ला। अभी बना के लाता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो, मस्त लड़की आई है, आ जाओ जल्दी। हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या नसीब है भाई। और किस्मत देखो, हम दोनों का कॉलेज भी एक ही निकला। और मजे की बात यह है कि दोनों को लड़की भी एक ही पसंद आई। सही कहा ना? भाई, इन लड़कियों की वजह से ही ना दोस्तों में झगड़े हो जाते हैं। ब्रदर, बात तो तुमने एकदम सही कही है, पर मेरा एक पॉइंट है, वो जिसको पसंद करेगी उसकी गर्लफ्रेंड, बाकी सबकी भाभी। इट्स अ वेरी फनी क्लास। तो उससे सबसे पहले बात कौन करेगा? टॉस करते हैं। हाँ ठीक है, ओके टॉस करते हैं। अरे अरे, अरे क्या कर रहा है? सॉरी बॉयज। अरे क्या होता है? एक्चुअली डिग्री कॉलेज में भी मैंने मैनेजमेंट पढ़ा था। हे वरुण मैडम। हे गौतम। हाय। हाउ आर यू? हां ठीक है। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। ओके। यामिनी यामिनी रुको। हां। प्लीज एक हग दो ना। ओह सो स्वीट। अरे ये छोटा वाला नहीं, असली वाला वार्म टाइट हग चाहिए। ये सुबह सुबह ये सब क्यों? पीछे देखो, काफी लोग हमें देख रहे हैं या नहीं? अरे हाँ, सब लोग हमें घूर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जल्दी से किस दे दो। क्या? छोटी सी पप्पी। नहीं पागल हो क्या? अरे यामिनी, बस एक छोटी सी पप्पी तो मांग रहा हूँ। गौतम यामिनी प्लीज, देखो मान जाओ प्लीज, सब लोग देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, छोटी सी पप्पी बस। यामिनी प्लीज, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। अच्छा ठीक है, उस तरफ देखो। मैं MBA करने वाली हूँ, कैट एग्जाम टॉप किया है। डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी,
अगर किस चाहिए तो फेस उधर करो। ये तो हमारी भाभी है। बॉयज आपस में बांट लो। ये सब क्या चल रहा है? पहले कहा हग करो, किस करो, फिर बोल रहे हो आपस में बांट लो, क्या चल रहा है ये सब? हाँ यामिनी, मैं बहुत ही एम्बिशियस लड़का हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और उसके लिए पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। ये पूरा बैच तुम्हारे पीछे पड़ने वाला था। रोज कोई ना कोई आकर तुम पर ट्राई करता, फिर मुझे उनके साथ मुकाबला करना पड़ता, फिर मेरे हिसाब से अगर चीजें नहीं होती तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता और इसका सीधा असर मेरी पढ़ाई पर पड़ता। इसलिए मैंने तुमसे पप्पी लेकर इनका पत्ता ही काट दिया। अब सब लोग समझ गए हैं कि वी बोथ आर इन लव। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो जानता हूँ, तुम्हें शक है तो खुद से पूछ लो। मैं चलता हूँ, क्लास है। पागल है ना ये? चलो यार। एक गौतम, रुको, आ रही हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज एंड टाइम मैनेजमेंट। एक्सक्यूज मी सर, मेरी क्लास में लेट आना अलाउड नहीं है गौतम। सर आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। ये तो पूरे शहर की प्रॉब्लम है गौतम, चलो बाहर निकलो। अभी तक यहीं खड़े हो? जा रहा हूँ सर। गुड। ये क्या है? अब कल दोनों टाइम से आ जाएंगे सर। हम दोनों कॉलेज बंक करके ये डोसा ट्रीट क्यों? ट्रीट कहेगी, मैंने नाश्ता नहीं किया था। ब्रेकफास्ट नहीं किया? अच्छा। अरे स्टूपिड। एक बात कहूँ? क्या? तुम पैदा ही खूबसूरत हुई थी। और अब कैसे हूँ? अब तुम लगती हो हॉट, सेक्सी। बस इतना ही? अरे और ताकत और भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास में क्यों नहीं आए? ये देखो। क्या लिख रहे हो? बात यह है कि मैं सेल्स में टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नंबर से बहुत डर लगता है और मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे, इसलिए मैं नंबर्स को शब्दों में बदलकर ऐसे लिख रहा हूँ कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ? इस बुक का नाम रखने वाला हूँ मैं सिंपल इकोनॉमिक्स। राइटर बन रहे हो? हाँ। अरे बस कोशिश कर रहा हूँ। तुमने कुछ खाया? नहीं। तो चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो सर, ये लीजिए ऑमलेट। ये यामिनी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर क्यों रही है? रख दे इधर। ये सब क्या है? यामिनी मैडम की शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं सर। पचास हजार का नुकसान? अबे ओए, देख तूने क्या कर दिया। सॉरी 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 बोल के काम नहीं चलेगा, पैसा निकाल चल और आके देख तूने क्या किया है। अबे देखना, एक मिनट रुक जा, मार मार के रॉकेट बना दूंगा। भाग दे, कहाँ है? अबे तू पागल वागल है क्या? दूसरी बार ठोक दिया। कोई परेशानी में माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? 0143। देख तेरी क्या हालत करता हूं। जिंदगी में कभी भी प्यार में कोई भी फैसला जज्बात में नहीं लेना चाहिए। वक्त आने पर वो आपका कॉल भी नहीं उठाती। उस दिन अगर मैंने अपने बॉस की बात सुनी होती तो आज मैं पेरिस में पैसा कमा रहा होता और मनचाही जिंदगी जी रहा होता, मजे कर रहा होता मैं पेरिस में। हेलो, सिर्फ दो साल में हमारे रेडियो स्टेशन ने बाकियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सिर्फ दो सालों के अंदर। तो फ्रेंड सुना आपने,
Our radio station in Paris has turned profitable in just 2 years. Well done, guys. Well done. एक और खुशखबरी है दोस्तों, हमारे मुंबई ऑफिस ने आप सबको 3 महीने की सैलरी बोनस में देने का वादा किया है. अच्छा सुनो सुनो सुनो, सब लोग पार्टी करो, मजे करो, लेकिन कल सुबह टाइम पर आ जाना, ठीक है? सब एंजॉय करो. मैरी. या मैरी, सारे पैसे अकाउंट से निकालने को कहा था, निकाले? हाँ, जो कि है 3.5 लाख यूरो. हाँ इतने ही, वो ऊपर बैग में है. ठीक है, ले आओ ना प्लीज. ऐसे खेलते कैसे? सर आपको एक नंबर चूज करना है, उसके बाद आप टेबल पर कहीं भी बैट लगा सकते हैं. तो यहाँ लगाने पर 1 गुना मिलेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ 17 गुना और यहाँ 35 गुना. अच्छा 35 गुना. हाँ 35. ठीक है शुरू करते हैं. ओके सर, आपको कितनी बैट लगानी है? सारा का सारा. गाइस, मैं जीत या हार के लिए नहीं खेल रहा हूं. मेरी कमाई की एक एक पाई लगाकर मैं वो जज्बात महसूस करना चाहता हूं जिसमें एक पल में या तो कुछ पाऊं या फिर सब कुछ खो दूं. आज मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं. चलो शुरू करें. नो गौतम, फैसला कर चुका हूं पूरा. तो अब आप एक नंबर चुनिए. वो नंबर जैसे सब डरते हैं, मेरा नंबर 13. ओके, तो 13 पर लगे 350,000. आपने बेट लगा दी, अब हम शुरू करते हैं. पैसा अकाउंट में डाल देना. थैंक्स थैंक्स.